शाहनाज, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ढाबा स्टाइल मटन करी की रेसिपी। होली आने वाली है, थोड़े ही दिन बचा है होली में, तो मैंने सोचा चलो मटन की रेसिपी शेयर की जाए। तो हमने यहाँ पे लिया है 1.5 किलो मटन, और 1.5 किलो मटन को अच्छे से हमने साफ करके धो लिया है। आज हम मटन मैरिनेट करके बना रहे हैं जैसे कि ढाबा में बनता है। तो हमने यहाँ पे 1 कप दही ले लिया है, मटन में डाल देंगे दही को। और यहाँ पे मैं अब डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर। ज़्यादा मसालों का यूज़ यहाँ पे मैं नहीं करूँगी। यहाँ पे अब 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। इसके बाद मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1 चम्मच, और अब नमक डाल देंगे। नमक भी हमारा 1 चम्मच है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे मटन को हमने अच्छे से मिला लिया है और सभी चीज़ें इसमें अच्छे से मिल चुकी हैं। तो अब हमें मटन को आधे घंटे के लिए ढक के रख देना है। तब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है 1 किलो प्याज काट के ले लिया है, और लहसुन ले लिया है, और 1 टुकड़ा अदरक ले लिया है। तो अब हमने लिया है छौंक में डालने के लिए 2 तेज़पत्ता, आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, हींग और लाल सूखी हुई मिर्च, 4 से 5 है लाल मिर्च। और हमने यहाँ पे लिया है मसाले का जो पैकेट आता है खड़े मसाले का, वो 10 रुपए वाला पैकेट है। तो अभी से हम पीस लेंगे जार में डाल के। अब हमने गैस पे कुकर को रख दिया है और कुकर को अच्छे से गरम कर लेंगे। और इसमें अब हम 1 कटोरी तेल डाल देंगे और तेल को अच्छे से गरम करना है हमें। तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, तो हमने जो खड़े मसाले लिए थे उसको डाल देंगे। और जैसे ही मसाला चटक जाए तो फिर हम इसमें लहसुन डाल देंगे जो छील के रखे थे पहले से। और इसमें से थोड़ा लहसुन मैं निकाल ली हूँ, कूट के डालूँगी अदरक के साथ। तो इस स्टेज पे हमें अब प्याज को भी डाल देना है भुनने के लिए। तो अब हम इसमें प्याज को भी डाल दे रहे हैं ताकि प्याज भी अच्छे से भुन जाए। तो हमने यहाँ पे सारे प्याज को डाल दिया है और अब इसे चलाते हुए हमें भुनना है। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि हम इन्हें चलाते हुए अब प्याज को भून लिए हैं और प्याज में अच्छा कलर आ गया है। तो अब हम यहाँ पे कूटा हुआ लहसुन और अदरक डाल देंगे और इसे भी हमें चलाते हुए प्याज के साथ भून लेना है। अगर प्याज के पहले हम अदरक लहसुन डाल देंगे तो अदरक लहसुन चिपकने लगता है, प्याज अच्छे से नहीं भुना पाता है। इसीलिए हमेशा जब प्याज भून जाए तभी लहसुन अदरक डालने में अच्छा रहता है। तो यहाँ पे अदरक लहसुन को भी मैं थोड़ी देर भून ली हूँ प्याज के साथ। अब इस स्टेज पे हमने जो 10 रुपए वाला खड़ा मसाला पीस लिया था उसको डाल देंगे और मसाले को भी हमें थोड़ी देर भून लेना है प्याज के साथ।
तो ये देखिए मैं यहाँ पे चलाते हुए भून रही हूँ मसाले को। तो फ्रेंड अब बारी आती है मटन डालने की। जो मटन हम मैरिनेट करके रखे थे अब उसको डाल देंगे ताकि मटन की भी अच्छे से भुनाई हो सके। हमने इसमें दही भी डाला है तो अब इसे चलाते हुए हमें 10 से 15 मिनट हाई फ्लेम पे भूनना है ताकि हमने जो इसमें मसाला डाला है, सूखा मसाला हमने डाला था इसमें, वो भी अच्छे से भून जाए। अब थोड़ी देर के लिए इसे ढक के भून लेंगे। सिर्फ हमने ढक्कन लगाया है ऊपर से। तो ये देखिए हमने इसे इस तरह से थोड़ी देर चलाते हुए भून लिया है। और आज हम बिना पानी डाले मटन आपसे शेयर कर रहे हैं ढाबा स्टाइल। तो ये देखिए इस स्टेज पे हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे क्योंकि मैरिनेट करते हुए हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाला था। और यहाँ पे नमक डाल रहे हैं 1 चम्मच। आप नमक अपने अकॉर्डिंग डालें। तो नमक और मिर्ची को भी अच्छे से हमें चला लेना है। अब अच्छे से मटन भून चुका है तो अब इसका ढक्कन लगा देंगे और साथ ही साथ अब सीटी लगा देंगे और लो फ्लेम पे हमें 7 से 8 सीटी लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है सीटी। तो अब ढक्कन खोल के देखते हैं कि हमारा मटन कैसा बना है। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमारा मटन कितना अच्छा दिख रहा है। तो देर किस बात की, अगर आप नॉनवेज खाते हैं और आपको मटन पसंद है तो इस होली आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और इसमें हमने डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और कृतिका किचन रियल ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।